हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाता था। गिरोह ने 1800 बैंक अकाउंट खुलवाकर उन अकाउंटों को 1,80,00,000 रुपए में बेचने वाले बिहार के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह के 7 आरोपी हनुमानगंज इलाके में एक फ्लैट में कॉल सेंटर चला रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इंदौर, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद में रहकर फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। वे एक फर्जी अकाउंट 10,000 रुपए में बेचते थे। इस मामले में बैंक और डाक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। भोपाल से हमारे संवाददाता गौरव कृष्ण गोस्वामी की रिपोर्ट। बड़ी चुनौती है और पुलिस ने लगातार इसमें काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अभी 2 दिन पूर्व इसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए थे। इस कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें कि साइबर क्राइम के जो महत्वपूर्ण घटक, जिसमें खासतौर पर फर्जी खातों का इस्तेमाल होता है, जिसमें फर्जी सिम का इस्तेमाल होता है, बिना इसके कोई भी साइबर क्राइम पूरा नहीं होता और कई बार इनके गलत होने के कारण अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुँच पाती है। उस कड़ी में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली जब हनुमानगंज क्षेत्र में एक चल रहे इस तरह के कॉल सेंटर को पुलिस ने पकड़ा, एक ऐसे अपराधी गैंग को पकड़ा जिसके 7 सदस्यों ने हजारों की संख्या में फर्जी आधार कार्ड और फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से फर्जी बैंक खाते खोले और उनका इस्तेमाल किया। ये अलग अलग पूर्व में 6 शहरों में, भारत के बड़े बड़े 6 महानगरों में इस तरह की वारदातें करके हजारों इस तरह के कार्ड बना रखे हैं। ये भोपाल में लगभग 1 महीना पहले, और जैसे ही आए भोपाल में कुछ सूचनाएं मिली और पुलिस की सक्रियता के कारण ये यहाँ पकड़ लिए गए। आने वाले 8-10 दिनों के बाद ये शहर बदलने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही कुछ होता है पकड़ लिए गए। आने वाले समय में पुलिस इस बिंदु पर भी जांच करेगी कि इसमें संबंधित एजेंसी, चाहे बैंकिंग एजेंसी हो चाहे मोबाइल नेटवर्क, इसमें क्या कोई संस्थागत चूक हुई, क्या कोई प्रक्रियागत चूक हुई या किसी की कोई मिलीभगत थी, इन सारे बिंदुओं में पुलिस जाँच करेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।